मतलब परसों की गोष्ठी से हमारी कल की गोष्ठी ज़्यादा अच्छी रही। परसों की गोष्ठी शायद समय से ज़्यादा निर्धारित थी कि समय हुआ और हम लोगों ने बंद कर दी। कल समझ से ज़्यादा थी, कल जब तक हमने समझा नहीं तब तक हम गोष्ठी में थे। तो कल जब हमने पहले बात की तो पहले हमने एक बार समराइज़ किया कि हमने पूरे दिन भर के अंदर क्या सीखा और किन किन टॉपिक्स को हमने कवर किया था जिन्हें अब हमें समझना है और अब आगे इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक मैं जितना भी देखते हुए आ रहा हूँ स्वयं को शरीर के रूप में देखता हुआ आ रहा हूँ और मैं एक एंटिटी है, मीन्स मैं जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूँ, मतलब मैं के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। तो उसको मैंने रियलाइज़ किया और गोष्ठी के अंदर भी ये बात हुई कि दोनों चीज़ें हमेशा से हैं, लेकिन इस चीज़ का रियलाइजेशन होना कि जो एक्चुअल नीड्स हैं उस मैं की पूरी करने के लिए ये शरीर है। ये शरीर मात्र एक साधन है और ये फैसिलिटेट करेगा कॉम्प्लीमेंटरशिप और मेरे एग्जिस्टेंस को। ये बात हुई कि मैं और इन दोनों के बीच में। और उसके बाद में हमने बात की कि जब तक मैं शरीर मानते हुए आ रहा था तब मैं किन साधनों के द्वारा सुख प्राप्ति की कोशिश कर रहा था। तो उसके अंदर मैंने रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, इनका यूज़ किया, मतलब इनके द्वारा मैंने हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन ये जब मैं स्वयं को शरीर मान रहा था तब मेरे को ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि मेरे को चाहिए तो परमानेंट हैप्पीनेस और इनकी है लिमिटेशन, और इनकी लिमिटेशन है उसकी वजह से जब मैं जिसको मैं हैप्पीनेस मान रहा था उसको पाने के बाद में वो मेरे को वो लक्ष्य छोटा लगने लग जाता था। ये समझ में आया। और उसके बाद मैं स्वतंत्रता और परतंत्रता के बारे में समझा कि अभी तक मैं जैसे शरीर के लेवल पे तो मैं हमेशा परतंत्र, मतलब बाहर की चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी ही रहेगी, और शरीर की आवश्यकताएं भी ज़रूरी है, शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करना ज़रूरी है, लेकिन उनके अंदर जब विशेष जुड़ जाएंगी तब मैं ज़्यादा बाहर के ऊपर, बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊँगा। और जब मेरे को ये रियलाइज़ होगा कि मैं कौन हूँ, ये जैसे अभी मैं ये बोल भी रहा हूँ तो मेरे को शायद मैं कोशिश ही कर रहा हूँ वो समझने की कि मैं हूँ कौन, तो वो जब आएगा तब मैं स्वतंत्र एक्चुअल स्वतंत्र महसूस कर पाऊँगा। और उसके बाद में आपने जो वो लाइन पिछली बार बताई थी कि सुख क्या है, कि अपने में व्यवस्था और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, तो उसके अंदर कल समझ में आया कि अपने में व्यवस्था मतलब अपने भाव विचार अच्छे हों तब वो अपने में व्यवस्था और वो अपने आप ही आचरण में आ जाएगा, तो वो पूरी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी भी हो ही जाएगी। उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि कैसे मैं और शरीर के बीच में कनेक्शन है, कि जैसे भी कुछ बाहर शरीर के साथ हुआ तो शरीर संवेदना देता है, शरीर संवेदना देता है और उसके ऊपर अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे उसको सूचना दे के एक्ट कैसे करना है, ये डिसाइड करता हूँ मैं। और जैसे अगर मैं हाथ हिलाना है मुझे तो मैं सूचना दे रहा हूँ शरीर को और शरीर फिर मोशन कर रहा है। और फिर हमने बात की कि मैं की क्रियाएं, कि जब मेरे को ये डीपली रियलाइज़ हो जाएगा कि एक्चुअल मैं हूँ क्या, और ये कनेक्शन भी समझ में आएगा कि मैं और शरीर दोनों इम्पॉर्टेंट है, वो मानव इम्पॉर्टेंट है, केवल मैं ही इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना केवल शरीर इम्पॉर्टेंट है, दोनों साथ में इम्पॉर्टेंट है। तो उसके अंदर बाद में मैं देखूँगा कि मैं सोचता कैसे है, मैं किस स्टेट में वर्क कर रहा है। तो उसके अंदर मैं एग्जांपल से बताता हूँ ये कल वाला, कि हमने गोष्ठी के अंदर भी यही एग्जांपल डिस्कस किया था कि अगर मेरे अंदर इच्छा है, ये वो प्रॉपर इच्छा वाली, आशा वाली नहीं, कि मुझे समझ पानी है, मुझे समझना है और मैंने आपका शिविर अटेंड किया हुआ है। अब आपका जब अगली बार मांडल में अगर यदि शिविर होता है तो मेरे को चित्रण आया, इच्छा हुई कि मुझे शिविर अटेंड करना है, मुझे समझना है, समझने की इच्छा हुई। उसके बाद में मैंने तुलन किया कि अब मैं वहाँ पे जाऊँ या फिर यहाँ पे उसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है वो भी मैं देख ही सकता हूँ। तो अब उसके अंदर तीन बेसिस पे मैं तुलना कर रहा हूँ कि एक तो प्रिय, हित और लाभ, एक तो मैं देखूँ कि मेरे सेंसेस को क्या अच्छा लगता है, दूसरा मेरे शरीर को क्या अच्छा लगता है, हित और लाभ की पैसे के संदर्भ में क्या मेरे को प्रॉफिट होता है। और लेकिन इस स्टेट में जब भी मैं बात कर रहा हूँ समझ की तब वो न्याय की बात हो रही है। तो अब मैंने तुलनापूर्वक विश्लेषण किया, या उसको ऐसा बोलते हैं कि तुलना करके एक को चूज कर लिया, विश्लेषण कर लिया उसका। तुलनापूर्वक विश्लेषण के बाद में मुझे आस्वादन हुआ और आस्वादन के तीन बेसिस कि एक तो रुचि, भाव या लक्ष्य। तो इस संदर्भ के अंदर वो लक्ष्य हो सकता है, अगर मैं डीपली वो रियलाइज़ कर पा रहा हूँ और उसी इंटेंशन के साथ शिविर के अंदर जा रहा हूँ
समझ के लिए, तो वो लक्ष्य हुआ। और उस आस्वादन पूर्वक मैंने चयन किया कि मुझे जाना चाहिए वहाँ, अगर फिजिकली जाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो ऐसे हुई। बहुत बढ़िया। हाँ, बस एक बात उसमें थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है कि तुलन विश्लेषण करते तो उसमें ऑप्शंस ज़्यादातर जनरेट होते हैं, जब फाइनल चूज होता है वो चयन है। तो तुलन विश्लेषण में डिसाइड नहीं हो जाता कि क्या करना है, बट कुछ ऑप्शंस बनते हैं, कुछ की प्रायोरिटी बनती कि ये ज़्यादा प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। फिर जब आस्वादन पूर्वक चयन करते हैं तब वो फाइनल डिसीजन होता है कि चलो यही करना है। बाकी सब बहुत ठीक था जी। सर अभी हम सुबह कुछ डिस्कशन कर रहे थे, मेरे को लगता है वो सभी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, मैं और शरीर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और समझ पाना कि दोनों भी आवश्यक है। हाँ। तो जैसे एक टैंक है उसके अंदर पानी है, तो उन चार दीवारों के बीच में पानी है, अभी तक हम ये मानते हुए आ रहे हैं कि उन मैं वो दीवार हूँ, और जितना भी काम हम कर भी रहे हैं उस दीवार के ऊपर ही कर रहे हैं। और जब मैं ये बोलता भी हूँ कि मैं हूँ, तब मैं ये मानता हूँ कि मैं उन चार दीवारों के बीच में हूँ, एक्चुअली मैं हूँ तो वो पानी। ठीक बात है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ढूंढ सकते हैं, बट हर एक उदाहरण की अपनी कमियां भी रहती है जी सर। तो बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं करना चाहिए, जितना मैं उसका कोई उदाहरण देना इसलिए पसंद नहीं करता, मतलब बहुत सारे उदाहरण मैंने बहुत लोगों से सुने हैं, शिविर में भी बहुत लोग अपने उदाहरण बना लेते हैं, बट जब तक सीधा वस्तु को देख पा रहे तब तक फिर क्यों वाया वाया जाए ना उस पर। हम अपने को देख पा रहे हैं इन क्रियाओं को सीधा सीधा, शरीर को देख पा रहे, शरीर कुछ संवेदना हमको देता है वो देख पा रहे, हम शरीर को कुछ सूचना दे रहे वो देख पा रहे। तो जब सीधा देख पा रहे तो सीधा देखने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर उदाहरण की अपनी कमी होती ही है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं चैतन्य को, है ना, और उदाहरण लेते सभी जड़ के, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। एक लेवल पर लगता है कि ठीक उदाहरण है, सटीक से क्लियर होता है, आगे कोई इसमें कोई लॉजिक चल जाए ना, मतलब कोई कुछ पूछ ले या आप ही खुद कोई आगे लॉजिक कर लो, फिर फंस जाओगे। किसी भी उदाहरण में ये होगा ही, उससे बेटर ये है कि एक लेवल तक उपयोग कर सकते, बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किसी को, तो समझाने के लिए कोई उदाहरण दे दे, बट आवश्यक यह है कि जब तक सीधा वस्तु दिख रही है तो सीधा वस्तु को ही देखें। हमारे पास सेब पड़ा हो तो हम क्यों पहले तरबूज ला के काप के देखें कि देखो इसके अंदर जो कलर है वो उसके बाहर होगा, ऐसा करने की क्या जरूरत है, सीधा सेब ही दे दे उसको, ठीक है। तो जो वस्तु सीधे दिख रहे उसको वैसे ही देखने का प्रयास करना चाहिए। बढ़िया। नमस्ते भैया, मुझे कल न्याय का बहुत अच्छे से समझ में आया, उसका शायद मैं एक उदाहरण दे पाऊँ। जैसे न्याय में आपने बताया था दो लोगों के बीच उभय तृप्ति, सामने वाला भी तृप्त हो और मैं भी तृप्त हूँ। जैसे मेरी मम्मी है तो मेरी मम्मी का फ़र्ज बनता है कि वो मेरे प्रति ममता का भाव रखे, इसी तरह मेरा भी फ़र्ज बनता है मम्मी के प्रति उस भाव का। तो मैं अगर मम्मी से चिल्ला के बात करूं या ठीक से बात ना करूं या सही भाव से अगर बात करूं, सही भाव से अगर मैंने बात की तो वह अन्याय होगा, और सही भाव से अगर मैंने बात नहीं की तो वह अन्याय होगा। तो इस तरह से मुझे समझ में आया कि न्याय जो है वह दो लोगों के बीच में उभय तृप्ति जिसे हम कह सकते हैं, और इसका भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया था इच्छा और आशा वाला। और उसके अंदर मतलब मैंने एक उदाहरण अपने अंदर भी देखा था, एक दिन मुझे जिस टाइम बारिश हो रही थी तो कुछ खाने की इच्छा हुई, तो वो आपने कल बताया था वो आशा के ऊपर ही है, जैसा अर्पिता दीदी ने भी कल बताया था कि अभी खाने वाली जो चीज़ है वो आशा है, इच्छा नहीं है, वैसा वाला एक उदाहरण है। तो मैंने YouTube चलाया, मैंने उस पर देखा कि मतलब क्या खाने की अच्छी चीज़ हो सकती है, तो मतलब मेरे सामने चीज़ें आई, जैसे दो चीज़ें आई, एक आया कि मैं पकौड़ी बनाऊं, एक आया कि आलू का पराठा बनाऊं। फिर मैंने उसमें तुलन किया तो जिसमें मेरी इंद्रियों को ज़्यादा सुख मिल सकता, तो मैंने सोचा उस पर तुलन किया मैंने, तो बाहर बारिश भी अच्छी हो रही थी तो मुझे प्रिय लगा कि नहीं मैं पकौड़ी बना के खाती हूँ। पकौड़ी में भी मैंने देखा मतलब कि उसमें दो तीन तरह की वीडियो थी, तो किसी में कम सामान लग रहे थे, किसी में ज़्यादा सामान थे, तो मैंने इसको चूज़ किया कि मेरे पास इतने सामान हैं, विचारों में चला आया मेरे साथ कि मेरे पास इतने सामान हैं तो मैं ये वाली वीडियो देख के ये वाली चीज़ बनाऊँगी। फिर उसके बाद मेरा आस्वादन हुआ,
तो रुचि मूलक इसमें आएगा। इसके साथ मैंने सोचा कि अगर ये मैं सबको खिलाऊं तो ये एक भाव के अंदर भी आ सकता है, सबको खिलाऊं सबको अच्छा भी लगेगा। फिर मैंने फाइनली चयन कर लिया और इसके साथ चयन करके मेरा कार्य और व्यवहार दोनों हुआ। मैंने कार्य करके उसे बनाया और व्यवहार करके मतलब सबको खिलाया भी। वैसे ही बहुत अच्छा। नमस्ते। जो आप है ना ये समझाते हैं ना, मेरे को समझ में तो आता है लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। अभी भी मैं खड़ी हूँ ना तो मेरे ये हाथ पैर दोनों मतलब वाइब्रेट हो रहे, डर लग रहा है मेरे को। हाँ। तो मैं क्यों नहीं पूछ पाती हूँ ऐसे? अभी भी मेरे ये जो हाथ पैर है ना, डर लग रहा है मेरे को अभी भी। बोलूंगी तो भी हो रहा है। ठीक है। देखो एक एक बात ये होती कि अपने को ये लगता है कि जब बाहर लोग तालियां बजाएंगे, लोग कहेंगे अच्छा लगा, है ना, तो हमको अच्छा लगेगा कि हम बोले वो अच्छा रहा। दूसरा है कि यदि हमने गड़बड़ कर दी तो कोई कहेगा कि अरे गलत बोल दिया, नहीं इतने सारे लोग बोले तालियां बजी, मेरे पे कोई ये बोले कि गलत बोल दिया, या लोगों को लगे कि देखो ये तो समझ नहीं रही, 3 दिन से बैठी। ऐसा लगने से अपने को फर्क पड़ता है अपनी समझ में? अपनी जो समझ है वो तो बढ़नी है, है ना। जब भी शेयर करेंगे तो गलती होगी तो कोई समझाएगा कि भाई ये गलती हुई, तो ये तो अपना फ़ायदा हुआ। यदि गलती नहीं हो रही तो बहुत बढ़िया कि हमने कुछ अच्छा शेयर किया। तो जो बाहर से भाव मिलेगा, बाहर से सम्मान मिलेगा तो हम सुखी होंगे। वो वहाँ से थोड़ा शिफ्ट होकर के ये ट्राई करो कि मैं जो समझी हूँ उसको शेयर करना, वो एक सुख है सबके साथ। फिर ऐसा मान के शेयर करने का धीरे धीरे अभ्यास करने से धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे पकड़ बनती कि चलो बाहर लोग क्या कह रहे हैं वो अपने को बहुत फर्क नहीं पड़ता, जो मेरी समझ है मैं उसको शेयर करूँ, कहीं गलती हो रही तो मेरा फ़ायदा हो रहा है कि लोग ध्यान दिला पा रहे हैं। ठीक है, हम ये दावा तो नहीं कर रहे हो ना आप कि आप पूर्ण समझदार हो, अभी विद्यार्थी है हम, तो गलती करना अपना अधिकार है। ठीक है, हाँ बताइए। वो ना रात को मुस्कान दीदी हमारे साथ सो रहे थे। हाँ। तो ये तो सब सो गए थे, मैं जग रही थी, तो वो रात को है ना मन में कुछ सोने के बाद कुछ बोल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। उनका शरीर तो उनके पास था बट वो उनका मन भी उनके पास था क्या? मतलब मैं भी था क्या तब? हाँ जी, जब सोते हैं ना तो मैं तो अंदर ही रहता है शरीर में, वो बाहर नहीं तो जाता। उनको याद क्यों नहीं है कि वो उन्होंने बोला है? वो अनकॉन्शियसली कर लिया था, किसी को याद नहीं रहता रात को जो बड़बड़ करते हैं ना अपना। इतना देखिए अभी जिंदा रहते रहते हम क्या विचार करते हैं, हमको कहाँ याद रहते कोई विचार जिस पर बहुत ध्यान दे दिए वो विचार याद रहते, बाकी कितने हजारों लाखों विचार कर लेते हैं हम, सभी याद नहीं रहते। ऐसे ही रात को कोई विचार चल गया और अनजाने शरीर को सूचना दे दी कि बोल दो, तो शरीर बोल लिया सोते सोते, फिर वो याद नहीं रहता। अरे मेरा जो आगे का है वो समझना, तो ऐसे हो रहा है जो मेरे भैया भी घर नहीं आते। अभी मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ तो पापा तो मेरे को मतलब पढ़ाना चाहते हैं, मम्मी भी पढ़ाना चाहते, लेकिन मम्मी ये कि भैया घर पे आते नहीं है, उनके कुछ मतलब भगवान का ऐसे बोलते हैं कि भगवान का है तो वो घर पे नहीं आते, ना पैसे देते हैं, और मैं इतने मतलब पैसे नहीं है कि मेरे को पढ़ा पाए। और मम्मी ये कहना चाहती है कि अगर पढ़ना हो ना तो घर पे भी तो पढ़ सकती है, और पापा कहते हैं कि, और मैं NCC भी ज्वाइन कर रही कि वहाँ रेगुलर आना भी पड़ता है, तो मैं इसलिए मैंने हॉस्टल यहाँ रहती हूँ। पापा पढ़ाना चाहते हैं, मम्मी बोलती कि यहीं पढ़ ले, बट जो पड़ोस वाले और ये भी रहते हैं ना कि अभी तो इनका लड़का भी घर पे नहीं है, मतलब आ नहीं रहा है, और लड़की को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और पापा इसलिए भेज रहे हैं कि पापा ये चाहते हैं, मेरे आशा लगा के बैठे हुए कि भैया नहीं दे रहे तो मैं जल्दी से जॉब लग जाऊँ और उनको पैसे वगैरह ये दे दूँ। अभी कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, पापा को मतलब मैंने भी मेहनत की क्योंकि हमारे घर की कंडीशन ऐसी है, तो मैं सोच रही थी कि मैं फुल पढ़ाई करके जॉब लग जाऊँ, मेहनत तो की थी लेकिन अब वहाँ गई और पेपर सही नहीं हुआ। अब घर पे आई, पापा को भी लग रहा था कि हाँ पेपर अच्छा होगा, उन्होंने आशा ले रखी थी मेरे ऊपर कि हाँ होगा,
बट पेपर मैंने उनको आके बोला कि हाँ अच्छा नहीं हुआ। पहले मेरे को डर लग रहा था कि मैं इनको बोलूँगी कि अच्छा नहीं हो तो ये मतलब इनको कैसा लगेगा कि मैंने इतनी आशा लेके मतलब रख रखी थी इनसे और अब उनको ऐसा कुछ लगेगा ना। तो पापा तो चाहते हैं कि मैं जल्दी से लग जाऊँ और अभी तक मेरे में इतनी समझ नहीं है, मतलब कि एक तरह का वो दबाव हुआ ना मेरे। फिर तो अब मैं ऐसे और मेरी वजह से पापा और मम्मी के बीच में भी लड़ाई होती। पापा मेरे को यहाँ भेज देते हैं कि हाँ जा एनसीसी ज्वाइन और मम्मी बोलती कि रिश्तेदार वाले क्या बोलेंगे और ये उनके बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ जो उनके बीच में भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए और मैं भी। जी तो धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ाओ और उनको भी प्रयास करो कि कोई अभी मैं यहाँ हूँ ना तो पापा को पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। उनको झूठ बोल के यहाँ आई हूँ। मैंने बोला कि एनसीसी का कैंप लगा हुआ है। नहीं ठीक है, आपका इतना मन है समझने में और इतनी जिम्मेदारी को आप देख पा रहे हो ना, ये अच्छी बात है। तो अभी अपनी समझ को और बढ़ाए, अभी हम संबंध पे और उस पर बात करें, है ना। अपने को तो थोड़ा समझने का काम किया, फिर थोड़ा आज संबंध को भी समझे, उसको जीने में लाने का प्रयास करें। आपके आचरण से आश्वस्ति होती है ना उनको कि ये ठीक जी रही है, फिर उनको विश्वास। देखिए कोई माँ बाप अपने बेटे को परेशान करना तो नहीं चाहते, तो ये तो अपने को विश्वास रखना चाहिए कि हर माँ बाप अपने बेटे का भला चाहते हैं। और उनकी कुछ एक है मान्यता कि इस तरह के जिएंगे तो भला होगा, इस तरह से जिएंगे तो भला होगा, तो वो इस तरह से आपको पुश करते। तो उनकी जो ये मान्यता है, उनका भाव ठीक है कि आपका भला चाहते, बट कैसे भला हो वो उनके भी समझ में आए, आपके भी समझ में आए, वैसा कुछ अपने को करना पड़ेगा। ठीक, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भी कुछ सच होता है क्या कि कोई बोलता है कि ज्यादा हंस मत, बाद में रोना पड़ेगा, तो ये होता है जो, ऐसा क्यों होता है? होता है कभी कभार। ये कहने का आशय मुझे ये लगता है ऐसा कभी कभी होता है। हाँ। उसका आशय ये होता है कि हम हंसते हैं वो एक तरह का कभी आवेश होता है, सम आवेश होता है, मतलब अच्छे वाला का भी आवेश होता है। उसमें जितना ऊपर चढ़ते हैं ना, जैसे बाहरी चीज़ों से खुश हो होकर हंसते, तो किसी की मजाक करके हंस लिए या कोई जोक सुन, तो बाहरी चीज़ों से जितना खुश होकर अपने को उठाते हैं ऊपर, उतना फिर गिरने का भी चांस रहता है, क्योंकि आवेश से हंस रहे। तो उसमें हो सकता है कि गिरे और फिर रोए, बट जब सहजता से हंस रहे, भावपूर्वक खुश हो, मतलब अपने सुख को व्यक्त करने के लिए हंस रहे ना, फिर रोने का कोई उसमें नहीं रहता चांस। और एक जो अपन है ना ज्यादा सोचते है, तो वो होता क्यों नहीं है? मतलब सोच गलत है? नहीं तो पहले से सोच लेते था। जी सोचते तो सब है, जो नियम है ना चीजों के होने के, वो नियम को पकड़ के सोचेंगे तो होगा। जैसे मैं कितना भी सोचता रहूं कि मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो नहीं जाएगा, वो नीचे ही आए ना। तो जो नियम पकड़ के सोचते हैं तब वो ऐसा होता है। माइक में बोलिए ना। एक तो मैं मम्मी ये भी कहती हूँ शुक्रवार को सोचा हुआ कभी पूरा नहीं हुआ, तो शुक्रवार को मेरी मम्मी सोचने ही नहीं देती है कभी। अरे रे ऐसा बहुत कुछ मानते हैं कि शुक्रवार को सोचना बंद कर दे, नहीं होता ना बंद। यही तो अब सोचना तो पड़ता ही है, बंद नहीं कर सकते। हाँ, उसको बंद नहीं कर सकते। मम्मी बोलती कि तो नहीं सोचना है, कहीं से बन जाती है मान्यताएं ऐसी। ठीक है। हाँ तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो नियम है ना होने के, जैसे वस्तुओं के नियम है, अपने होने के नियम है, व्यवहार के नियम है, उसको जब समझ पाते हैं तो ऐसा कर पाते। जब नियम नहीं समझते तो फिर नहीं कर पाएंगे, कितने भी उठा पटक कर ले। पकड़ पा रहे मैं जो कह रहा हूँ? तो सोचने को थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम अपना जो मनमानी वाला भाग है उसी में सोचते रहते हैं, या जो सही में नियम है उनको समझ करके उसके अनुसार सोचते हैं। नियम के अनुसार सोचते हैं तो होगा ही पूरा। अपनी इच्छाओं का भी ऐसा ही है, हम वस्तुओं से सुखी होने की इच्छा करते हैं, अब वो एग्जिस्टेंस का नियम ही नहीं है कि जड़ से चैतन्य सुखी हो पाए, तो होता ही नहीं कभी। तो इच्छा को ऐसा सही करने की ज़रूरत है कि चैतन्य को चैतन्य से, भाव से सुखी किया जाए। वो इच्छा होगी तो पूरी हो जाएगी। फिर हम कहते हैं इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं गलत कर रहे हैं इसलिए पूरी नहीं होती। ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं फर्स्ट डे आई नहीं थी, तो सेकंड जो डे था वो मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही था,
और यहाँ आने से पहले मेरे को पता भी नहीं था कि क्या वगैरह कुछ है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कल से कि है ना, आपने जो मैं और शरीर को जैसे डिफाइन किया ना, उस हिसाब से मैंने उतना समझा है कि मैं और शरीर दोनों की चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दोनों की आवश्यकता पूर्ति वगैरह सारी ज़रूरी है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शरीर की जो पूर्तियाँ होती है वो ज़रूरी तो है ही, लेकिन जो मैं की जो पूर्तियाँ है उस वो है ना सब कुछ ठीक रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक बात है। नमस्ते सभी को। जब भैया ने कल बताया था कि मैं और शरीर अलग अलग है, मीन्स शरीर को ऐसा शरीर है तो शरीर को थोड़ा ना सुख चाहिए होगा, क्योंकि वो तो एक मीन्स वो तो एक भौतिक चीज़ है और जो तो सुख है वो अभौतिक है। मीन्स इससे प्रमाण होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ डिफरेंट एंटिटी हूँ। और उसके बाद भैया ने बताई थी जीवन क्रिया के बारे में, मीन्स जीवन क्रिया से इससे मीन्स पहली चीज़ आती है चित्रण, मीन्स चित्रण इच्छा से ड्रिवन होती है। मीन्स इच्छा मीन्स लाइक मीन्स जो हम समझने के लिए मीन्स जो जीने के लिए काम होते हैं, मीन्स मेरे को ये समझना मेरे को जीवन विधियाँ समझनी है तो ये मेरी इच्छा पे हो जाएगी। वो मेरे संबंध में उनको भी जीवन विधियाँ समझानी है, ये भी इच्छा का भाग हो जाएगा। तो अगर हम तुलन में जाते हैं लाइक इसको एक एग्जांपल से समझ सकते, जैसे मेरे को एक जीवन क्रिया समझ में नहीं आ रही है और मेरे को जीवन क्रिया समझनी है, और फिर मेरे दिमाग में चित्रण आया ये चित्रण है मेरी, उसके बाद मैं तुलन में जाऊँगी कि मैं सर से समझूँ या सुनील सर से समझूँ या दिशा मैम से समझूँ, मैं किससे समझूँ, ये तुलन में हो जाएगा। मीन्स फिर आस्वादन में जाऊँगा तो जैसे ऊपर प्रिय है तो मीन्स आस्वादन में मैं रुचि वाला ही करूँगा कि रुचि मूलक में जाएगा, फिर चयन में मैं जाके पूछ लूँगा, इस प्रकार से चलेगा। और मीन्स इच्छा और आशा का भी डिफरेंस मैंने समझा था तो मीन्स उसका ऐसा लगता है कि मीन्स एक मीन्स आपको रसगुल्ले खाना है तो मीन्स ये आप मीन्स जो मीन्स सर ने बताया था कि सुख जो सुख पाने के लिए होता है, मीन्स दोनों में सुख पाने के लिए सुख समझ सुख जीने के लिए दोनों जीने से रिलेटेड पर इच्छा होती है। मीन्स इस एग्जांपल्स लाइक अभी सर समझा रहे हैं और हम सब यहाँ समझने के लिए बैठे हैं तो ये हमारी इच्छा हो गई, और सर जैसे ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं हमको ये आशा है कि मीन सर ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाएंगे, ये आशा हो जाएगी इस प्रकार। बढ़िया बढ़िया। हेलो, प्रणाम सर। मैं जब ना मतलब तीस ज्वाइन करने से पहले मेरा अंदर का बाहर का ना तो कुछ आइडिया था क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि अब ना थोड़ा काम किया जाए अपने बोलने पे, अपनी मतलब कि हम बोल क्या रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है और आप क्या समझ रहे हो, ये इस पर मेरे को काम करने का फिर मुझे लगा। ठीक है, पहले क्लास में फोकस नहीं कर पाती थी कि ध्यान कहीं और चला जाता था, बॉडी तो यहीं थी शरीर यहीं था, मैं कहीं और होती, अरे वो करना है सुनने का फोकस। अब मैं यहाँ पे बैठती हूँ तो मुझे भले 6 घंटे बिठा दो 12 घंटे बिठा दो कि हाँ सुन रही हूँ, भले मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी लेकिन सुनने का काम तो हो ही रहा है, यहाँ घुस ही रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। और इतना तो ये इससे मेरे को ऐसा लग रहा है 40% मुझे रिलीफ मिला है। ठीक है, और बाकी बाद में पहले ज़्यादा था कि बाद में मेरा कभी हुआ नहीं, मेरा विवाद ज़्यादा होता था घर पे कि मैं बोल रही हूँ आप बोल रहे हो, मतलब आर्ग्यूमेंट एरोगेंस ज़्यादा था कि अरे ये क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट भी होता था। लेकिन जैसे जैसे संवाद में अभी सर ने समझाया ना तो उससे ना 2 दिन में ये मतलब कोई बोलता है तो यार पहले सुनती हूँ फिर उसको जानती हूँ परखती हूँ और फिर देखती हूँ कि हाँ यार ये अपने लिए सही है, अपने को लेना नहीं लेना है। ठीक है, तो और अभी जैसे अभी मैं यहाँ नहीं रुक पा रही हूँ जीवन विद्या शिविर में, मैं जाती हूँ तो कुछ दिन परसों के दिन 7:30 की मतलब मैं यहाँ से 6:30 को निकल गई थी लेकिन रोडवेज मुझे मिली नहीं तो मैं वहाँ 1 घंटे तक वेट करती रही, फिर वहाँ पहुँची तो मुझे 8:30 हो गया, नाइट हो गया। पापा का कॉल बराबर आ रहा था कि इतना लेट हो गया क्या करना है कैसे ध्यान रखो इतना लेट नहीं समझ में आता है, तो पापा बड़ी ज़्यादा चिंता में आ गए थे क्योंकि कभी ऐसे बाहर रात को निकलती नहीं हूँ, मतलब ऐसा कभी आना हुआ नहीं। तो पापा एक ही बात बोले कि आप वहाँ पे क्या ऐसे समझाते हैं कि माता पिता को परेशान करने का, मैंने कहा बिल्कुल नहीं पापा वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो पापा बोले कि तो फिर इस तरह मतलब मुझे परेशान करके तुझे मिलेगा क्या, तो मुझे ये चीज़ भी समझ आई। और अगले दिन आपने बोला कि माता पिता की जो भी ऐसे उनको परेशान करके कुछ करने का तात्पर्य अपना ये नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ भी सीखी मैं उसमें इसमें।
और मैंने सुनने का काम में बराबर चल रहा है अभी, और अभी मतलब जो प्रस्ताव वाला पोर्शन है मैं उस पर काम कर रही हूँ कि हाँ मैं अपनी सोच को आपके सामने एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करूँ और अपने एक सही समझ के साथ, तो अब उस पर काम करना है अब। ठीक है, धन्यवाद। हाँ भाई बोलो। मुझे इसमें बहुत ही एक अच्छी बात लगी जो कि है जीव चेतना, जो कि है जीव चेतना और मानव चेतना की। आज तक जब भी खुशियाँ ढूंढते हैं तो जीव चेतना में जाते हैं। ये पांचों जो इंद्रियां हैं इनमें हम देखते हैं कि भाई गुलाब जामुन खा लेंगे खुशी मिलेगी, ये चीज़ कर लेंगे खुशी मिलेगी, तो वो पांच इंद्रियां हैं उनमें हम आज तक खुशी ढूंढते हैं। लेकिन ढूंढनी जीव चेतना में नहीं ढूंढना है, तो इतना मुझे समझ में आया है। और ढूंढने की जगह मानव चेतना में, तो इतना समझ में आया। और मानव चेतना में भी यही है कि मेरे भाव विचार ठीक रहे और मेरा व्यवहार ठीक रहे। तो आपने जैसा खुशी का एक बताया था उसी का मैं बता रहा हूँ, मेरे भाव विचार ठीक रहे और मेरा व्यवहार ठीक रहे, मतलब खुद में व्यवस्था और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। तो जो आज तक मैं भी खुद का भी बताऊं तो मैं खुशी ढूंढता था जीव चेतना में, लेकिन मुझे खुशी ढूंढनी थी मानव चेतना में, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो आगे बढ़े। बहुत अच्छी शेयरिंग रही, सब लोग बहुत मन लगा करके समझने का प्रयास कर रहे हैं ना। कल मुझको थोड़ा ये एक समय के लिए लग गया था जब हमने ये चयन आस्वादन पे बात शुरू की और आप लोग की ओर से कोई वो रिस्पांस ठीक, मतलब मुझे लगा कि ये थोड़ा भारी पड़ रहा है, मैं पूछ भी रहा था बार बार और लगता था कि ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बट जैसा एक तो कल गोष्ठी में चर्चा हुई जो रिपोर्ट मिले, और दूसरा ही ऐसे ही इधर उधर घूमते घूमते किसी की बातें सुन ली, आप लोग जो बातें करते हो आपस में, तो लगा कि इसी की बातें सब लोग कर रहे थे, है ना। जहाँ भी मैंने सुना सब यही बात कर रहे, तो उससे फिर लगा कि नहीं नहीं चलो समझ तो रहे सब, पर बोल नहीं रहे, सुनने में ठीक तो लग रहा है सबको और सोच भी रहे। थोड़ा ये रहता है कि सभा का एक संकोच रहता है कि कैसा लगेगा सबको, तो उस हिसाब से शायद बोलना नहीं हो पा रहा, बट अच्छा है सब समझने में तो लगे, ठीक है बढ़िया है। तो मैं थोड़ा अपना भी उदाहरण बताऊं, है ना, तो इसको हम जो कह रहे थे ना थोड़ा और डिटेल करते हैं आज, तो उसको अच्छा वही मिटा दूं। देखिए पहला दिन दूसरा दिन दो दिन बहुत लोगों ने मुझसे बहुत कुछ बातें की बहुत कुछ कहा, तो अपने में ये एक स्थिति तो बनती है ना कि भाई देखो इतने सारे लोग मुझे सुन रहे, और जो बहुत बड़े लोग भी है वो भी कह रहे हैं कि भाई तुम अच्छा समझा रहे हो ना, तुम्हारा व्यवहार भी ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। तो अपने में थोड़ा ये कल मुझे लगा रात को जब मैं सोने के लिए वो तैयारी कर रहा था, तो कि थोड़ा अपने को जांच लूँ, मुझे अनुमान तो है कि आप लोग मेरा अधिमूल्यन कर लिए हो, अधिमूल्यन मतलब मैं जितना हूँ उससे ज़्यादा मान लेना मुझे, तो उससे मुझे कितना फर्क पड़ता है, इससे मैं प्रभावित होता हूँ कि नहीं होता, उसको मेरा ये एक इच्छा बनी कि इसको जांचूं मैं। तो तभी फिर थोड़ा ये प्रिय वाला भी आया कि भाई देखो सोना भी तो है ना, कल तीसरा दिन पूरा शिविर भी लेना है और रात को बस से जाना है, तो रात को नींद आए ना आए अभी तो सोना है, तो क्या किया जाए। तो कुछ ऑप्शन बने कि चलो घर जाकर के भी तो सोच सकता हूँ, या ये वीडियो बन रहा है वीडियो देख देख के भी तो पूरा एनालाइज कर सकता हूँ, तो ये सब विचार चल सके। उसके बाद में चयन आस्वादन पे बात आई, तो लगा कि चलो सो जाते हैं, रुचि तो यही कहती, तो लेकिन इच्छा ये थी कि भाई जाँचना है। तो फिर चयन ये किया कि चलो एक बार टाइम देख लो, तो क्या मन ने निर्देश दिया, मन गया दिमाग के पास जो शरीर का मैनेजर है, कि मैनेजर साहब आशा गई है ना, आशा बनी कि मैनेजर साहब टाइम बताओ कितना हुआ, तो दिमाग ने कहा हाथ को कि भेजाओ मोबाइल उठाओ स्क्रीन अनलॉक करो, आँख को कहा देखो, तो हाथ ने ऐसे मोबाइल किया आँख ने देखा, जो विजन आया वो दिमाग को भेजा, तो यहाँ से ये चयन किया इस कार्य का। फिर जो दिमाग है उसने रिपोर्ट किया आस्वादन का, आस्वादन दिया इस संवेदना का रिपोर्ट किया कि भाई वो
आशा बहन आई थी, बता रही थी क्या समय हुआ है, तो देखो ये रिपोर्ट है आप देख लो। तो इसने देखा कि अरे देखो 9 तो बज गए, अब सोचना शुरू करेंगे तो पता नहीं कब तक चलेगा, तो सो ही जाना चाहिए। तो इसने कहा चलो भाई सो जाओ, बट विचार वाला भाग भी था थोड़ा, अपना सभानता बनी हुई थी। तो विचार ने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, देखो 9 तो बज गए, अब शरीर को आराम भी तो चाहिए है ना, हित भी तो देखना है, फिर दूसरा दिन शिविर लेना है और रात को फिर बस में जाना है और ये है वो है। तो उसने कहा हाँ ठीक है सो जाना चाहिए, सब इंद्रियों को भी यही ठीक लगेगा, सो जाए। यहाँ गए, ये कहे कि भाई देखो लक्ष्य है मैं समझदार हो जाऊँ, लक्ष्य यह है मेरा व्यवहार ठीक हो जाए, लक्ष्य यह है मेरे भाव ठीक हो जाए, लक्ष्य यह है कि मैं सबके साथ में अच्छा व्यवहार कर पाऊँ, ठीक है अब तुम सोचो आगे। इसने कहा ये बात तो ठीक है, थोड़ा मतलब देखना चाहिए कि कल क्या है कि घर जाके भी सोच सकते हैं, ये विश्लेषण तुलन विश्लेषण हो गया ना कि घर जाके भी सोच सकते, लेकिन आज सोच ले तो कल तीसरा दिन है, इम्प्रूवमेंट करने की जगह दिखे तो तीसरे दिन अप्लाई हो सकता है, घर जाके सोचेंगे तो फिर अगले शिविर में कहीं इम्प्रूव होगा, तो अभी उसको कर लेना ठीक है, तीसरा दिन कुछ अच्छा हो पाएगा, और अभी इस वातावरण में जितना सोच पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। घर जाके सोचे फिर कुछ घटनाएं भूल गए, बीच में कुछ घटनाएं और घट गई तो इतना रिकॉल नहीं कर पाएंगे, ये सब तुलन विश्लेषण चला। फिर इसने यहाँ कहा कि अब क्या लगता है, तो आस्वादन कह रहा है कि भाई देखो तीसरा दिन बहुत अच्छा हो जाए, हम अपने को जाँच लें तो ये जो लक्ष्य के अर्थ में बात हो जाएगी और अपना भाव और ठीक हो जाएगा, इसका सुख तो ज़्यादा बड़ा है, सोने से ज़्यादा बड़ा सुख तो ये है, ये तो बात आप ऊपर से जो ले आए ठीक ले आए। तो इसने चयन किया कि भाई चलो जगो देखो अपने में। तो ये कैसे प्रोसेस चली, इच्छा बनी वहाँ से नीचे आए, लेकिन ये दोनों जो थे इन्होंने कहा कि सो जाना है, तो घड़ी देख के फिर यहाँ से आए ऊपर गए, यहाँ तक पहुँचे, इसका जोर बना रहा। इसने कहा ठीक है तुमने जो भी देखा, इच्छा ये है कि सुखी होना है, समझदार होना है, अच्छा जीना है, तो फिर ये लोग कहे कि हाँ हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं, तो अपने में देखने का काम शुरू किया। फिर जो भी मुद्दे मुझे जांचने थे अपने वो जांचता रहा, जांचते जांचते एक टाइम पे ये हुआ कि हम लोग ना आपको पता ही होगा कि रात को यदि 7-7:30 बजे खा लिए हो कुछ और रात को जगे तो फिर भूख लगती है, तो बीच में मतलब मैं तो कल रात को 2 रात से कुछ खाता ही नहीं, तो कल रात को वैसे भी खाया नहीं था, 1 बजे का खाया हुआ और रात 9 बजे से सोचना शुरू किया था तो लंबा चला, बीच में पेट में गड़गड़ होने लगी, तो शरीर ने संवेदना दी कि भाई देखो गुड़गुड़ हो रहा है। तो आस्वादन को वो मैनेजर दौड़े तक गया दिमाग की, देखो भाई गुड़गुड़ हो रहा है पेट में, भूख लगी ज़ोरदार। तो इसने कहा कि भाई रुको रुको पूरी प्रोसेस स्टॉप करो, देखो एक रिपोर्ट आया है नीचे से कि शरीर में गड़बड़ हो रही, तो पेट में गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है कि भाई भूख लगी ज़ोरदार। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई देखो भूख लगी तो खाना चाहिए, शरीर के हित के लिए भी वही ठीक है। इसने कहा कि शरीर को सुखी रखना इच्छा है या मन को सुखी रखना इच्छा है, मन को सुखी रखना इच्छा है, समझदार होना इच्छा है, लक्ष्य क्या है समझदार होना है, और शरीर मर थोड़ी ना जाएगा, भूख लगी तो भले लगी अभी सोचना चाहिए। इन्होंने कहा बात ठीक है अभी अभी सोच लेते हैं, तो फिर वैसे पूरी बात चली। इसने कहा कि हाँ अभी खाना खाए या सो जाए उससे बड़ा सुख तो यह है कि हम सोच ले अपने को जाँच ले अपन समझदारी की ओर एक कदम आगे बढ़ ले, फिर कहा चलो काम आगे बढ़ाते। ऐसे करते करते वो फिर 12-12:30 तक चला अपने में पूरा प्रोसेस। बट ये उदाहरण मैंने अपना इसलिए दिया क्योंकि हम जो जांच कह रहे हैं ना कि कब ऊपर से नीचे जाता है कब नीचे से ऊपर आता है दोनों ही होता है, इसमें मेन बात क्या हुई ये क्लियर होता है ना अपना, तो ये दोनों उसके अकॉर्डिंग चल जाते हैं। जब ये क्लियर नहीं रहता तो यहीं से निपटा लेते हैं। मान लो इच्छा क्लियर नहीं होती कि मुझे क्यों सोचना है लक्ष्य क्या है, तो ये कहता कि सो जाओ, सो गए यहीं से वापस आ गए, ठीक है या चलो थोड़ा विचार किया, विचार किया तो ये सब आया कभी रात को बस में जाना है ये करना है वो करना है, तो कहा चलो सो जाओ सो गए। जब तक यहाँ से क्लियर नहीं हो रहे तब तक हम शरीर आधारित ही, इनको भी शरीर आधारित चलाते हैं इनको भी शरीर आधारित चलाते हैं। जब इच्छा स्पष्ट है लक्ष्य स्पष्ट है तब हम इसको भी ठीक चला पाते इसको भी ठीक चला पाते, तब यहाँ न्याय आ पाता है यहाँ भाव और लक्ष्य आ पाता है। बताइए उदाहरण ठीक लगा, ठीक है एक और उदाहरण देखते हैं, एक काल्पनिक उदाहरण देखते हैं ना। अभी मान लो मैं सुबह यहाँ आया एक सम्मान लेते और आगे वाले जी ने मुझे किसी कारण से डांट दिया, उनका पूरा
आवाज़ ऐसी हो गई और गुस्सा उनका साफ दिख रहा था चेहरे पे, पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी। ठीक है, तो ये एक इनपुट आया आस्वादन में, क्या आया कि इनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है भाई, ये ऐसे बात कर रहे हैं या डांट रहे अपने को, ऐसे बात कैसे चलेगी भाई ना, ये मुझे रुचिकर बिल्कुल नहीं लगा, ये जो शब्द सुने, ये जो रूप देखा इनका, ये बिल्कुल रुचिकर नहीं है। तो इनको कह दो कि आप ठीक बात नहीं कर रहे, ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने बोल दिया। तो क्या हुआ, यहाँ गया, यहाँ से ही प्रोसेस होकर आउटपुट निकल गया, तो इसको कहते हैं रिएक्शन। ठीक है, यदि मेरा ध्यान सिर्फ मन के लेवल पे नहीं है, मेरा ध्यान थोड़ा विचार की ओर भी है, तो क्या हुआ, यहाँ से इनका ये मिला आस्वादन, ये गुस्सा हो गया और मुझे डांट दिया, रुचिकर तो नहीं लगा, लेकिन अभी विचार का कुछ वो था ध्यान, तो सोचा कि भाई अभी देखो ये आयोजक है, मैं शिविर लेने आया हूँ, अब हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा तो शिविरार्थी क्या सोचेंगे, है ना, और ये सब राजस्थानी है, वो भी राजस्थानी में, अकेला गुजरात से आया, सब कमरे में बंद करके मारने लगे तो मेरा क्या हाल होगा। ठीक है, तो ये ऐसे सब सोचा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैंने क्या किया, तुलन विश्लेषण करके ऐसे ऑप्शन देखे कि भाई रिएक्ट मत करो, तो मैंने ये किया कि भाई हाँ बात तो ठीक है, मुझे ठीक नहीं लगा, बट रिएक्ट करना भी तो और बुरा होगा, तो मैंने चयन ये किया कि रिएक्ट मत करो। ये स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हुई कि मैंने सामने रिएक्ट नहीं किया, पर मुझे तो ठीक नहीं लगा, मैं तो पीड़ित हुआ अपने में, और मैं ठीक तरह से बात भी नहीं की, कुछ बात नहीं की, तो ये क्या हो गया कि हम यहाँ तक जा कर के आए, यहाँ तक ठीक गए ना, हाँ। इसको कहते हैं रिएक्शन इनसाइड, अपने में ही रिएक्शन दिया, बाहर नहीं आने दिया, अपने में ही रिएक्ट कर दिया कि ये ठीक नहीं लगा, बट बाहर नहीं आने दिया, ऐसा करते हैं हम बहुत बार, ठीक नहीं लगता पर यहाँ विचार में लगता है कि चलो छोड़ो नहीं करना, कोई ना कोई कारण से संबंध बिगड़ जाएगा या वो हो जाएगा, वो जाए मार पड़ जाएगी, डांट पड़ जाएगी, नुकसान हो जाएगा कुछ, है ना, बिजनेस में जैसे हमको सामने वाले की बात ठीक नहीं लगती फिर भी हम हाँ हाँ करते रहते हैं क्योंकि नुकसान हो जाएगा, धन डील कैंसिल हो जाएगी, तो वो क्या कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं बट बाहर रिएक्शन नहीं दे रहे, तो वो रिएक्शन इनसाइड कि हम यहाँ तक जी लेते, यहाँ तक ध्यान है, अब जाते हैं यहाँ तक, इन्होंने मुझे डांटा, मुझे रुचिकर तो नहीं लगा, यहाँ देखा प्रिय भी नहीं लगा, ये हित के अर्थ में भी नहीं लगा, लाभ के अर्थ में बिल्कुल यहाँ भी ठीक नहीं लगा, यहाँ तक ध्यान गया तो देखा कि भी देखो मैं तो सुखी होना चाहता हूँ, मैं समझदार होना चाहता हूँ, क्यों, मैं मानव हूँ, मानव का यही लक्ष्य कार्यक्रम है, तो वो भी मानव है, उनका भी यही लक्ष्य कार्यक्रम है, वो भी समझदार होना चाहते हैं, वो भी सुखी होना चाहते हैं, इतना यहाँ स्पष्ट हुआ। इसने कहा कि न्याय के दृष्टि से तुलन विश्लेषण किया कि हाँ बात तो ठीक है, देखो वो भी सुखी होना चाहते हैं, वो भी समझदार होना चाहते हैं, वो भी मानव है, हो सकता है कि उनकी अपनी कोई परेशानी हो, सुबह किसी से झगड़ा हो गया हो या किसी और बात से अपने विचारों से कुछ परेशान हो, वो रिएक्शन मुझ पर निकल गया, या हो सकता है मेरी कोई गलती हो गई उस कारण से उनको बुरा लग गया तो बोल दिए, बट होना तो वो भी सुखी चाहते हैं, वो भी संबंध को ठीक बनाए रखना चाहते हैं, मैं भी संबंध को ठीक बनाए रखना चाहता हूँ, तो ये तुलन विश्लेषण हुआ। आस्वादन अब भावपूर्वक लक्ष्य पूर्वक होगा कि भाई मेरा उनके प्रति जो भाव है, उनका मेरे प्रति जो भाव है वो तो है, बट ये जो अभी गुस्सा आ रहा है उसको मैं ऐसे हैंडल करूँ कि मैं आराम से उनको पूछ लूँ कि क्या गलती हुई मुझसे, ठीक है, तो वो बताएंगे ये गलती हुई, फिर हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ये वहाँ जा करके फिर मैंने चयन किया कि भाई थोड़ा उनको बोल लेने दो, आराम में आ जाने दो, फिर हम आराम से उनको प्यार से पूछते कि भाई क्या गलती हुई मुझसे, ठीक है। तो जब यहाँ तक जा करके वापस आए और एकदम न्यायपूर्वक का हो गया तो उसका कहते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो हम कह रहे थे ना कि हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए, या अपने में भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, बाहर से प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो कहाँ, ये जो भाग है, अपनी इच्छा स्पष्ट हो सुखी होने की, समझ के बारे में हम क्लियर हो, और ये जगह भाव की जगह है जिसको आज हम देखेंगे कि भाव क्या क्या है। तो जब भाव अपना स्पष्ट रहता है तो उसके आधार पे विचार और आशा अपनी ठीक चल पाती है और हम रिएक्शन या रिएक्शन इनसाइड की जगह पर रिस्पॉन्स की जगह पर आ सकते हैं, ठीक है। बताइए इस पर क्या लगता है, है ना, आपको गुस्सा कर दिया पर उदाहरण अच्छा था। हाँ माइक में बोलिए ना, माइक में बोलिए। नहीं, बढ़िया उदाहरण है, आपने ध्यान आकर्षित किया कि जैसे अगर कोई सामने वाला गुस्सा करता है तो
तो वो उसका स्वाद अच्छा तो रुचिकर तो लगता नहीं है। हाँ। तो मैं जो पहला स्तर मन है, मन में जो आस्वादन क्रिया है उसमें स्वाद रुचिकर नहीं लगा, तो एक तो चयन होता कि चलो यार इसको अपन भी इससे ज़्यादा गुस्सा कर देंगे। हाँ। तो उसको बोला रिएक्शन, तो वो खाली मन के स्तर पे दो क्रिया में हो गया काम जी, निपटा दिया था हमने वाले जी। दूसरा है कि ये लगा यार कि देखो यहाँ पे पिटाई भी हो सकती है, अपन अकेले गुजराती हैं तो ये हितकर तो नहीं शरीर के लिए। हाँ। और ये प्रिय भी नहीं है, तो हमने थोड़ा सा विचार किया इस पर कि इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, पहले सोच लो। सोचा यार ये अपने भलाई इसी में है कि यहाँ चुप रहा जाए जी। तो विचार हुआ, तुलन पूर्वक विश्लेषण हुआ और फिर हमने चयन कर लिया भाई ओके सुन लो, अपने को रिएक्शन अंदर ही करी बाहर नहीं करी, जवाब ही नहीं दिया आपस, है ना। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और तीसरा आपने बताया कि अभी थोड़ा जीन विद्या पढ़ रहे हैं तो लगा यार संबंध तो है यार, अब संबंध का भाव है जी। संबंध का भाव है तो हमारा संबंध तो स्नेह का भाव है, स्नेह का भाव है तो यार थोड़ा हो सकता है कुछ जो भी स्थिति परिस्थिति उस हिसाब से उनको किसी कारण से गुस्सा आ रहा है, या तो सुबह पत्नी ने कुछ बोल दिया है या किसी ने कुछ बोल दिया है ना, तो इसलिए अपने को तो संबंध का भाव बनाए रखना है भैया ना जी। तो वो तुलन विश्लेषण करते हुए आस्वादन करते हुए चयन किया भी कि ऐसा है कि उसको थोड़ा जब मूड ठीक होगा तब समझाएंगे या बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे जी। ऐसे ही है ना जी, हाँ। बहुत बढ़िया, तो रिस्पॉन्स हो गया। इसलिए हमने आपका अधिमूल्यन नहीं किया है आपको 23 साल की उम्र में अगर बुलाया है तो इसलिए बुलाया कि सुबह गोष्ठियों में देखा है और बड़ी स्पष्टता है, और मैं बोलता हूँ तो उसका प्रेरणा कम मिलता है कम उम्र वाले युवाओं को। 23 साल वाला बोलेगा तो ये सब छोटे उम्र वाले सब बोलेंगे यार अगर वंदन समझदार हो सकता तो हम भी हो सकते हैं। तो ये फिर आपके जाने के बाद भी जो है थोड़ा सा दम लगाएंगे तो भिलोड़ा में कुछ टीम अच्छी बन जाएगी हमारी युवाओं की। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा समझाया आपने जी जी। बाकी लोगों का क्या लगता है इसमें? नमस्ते भैया। नमस्ते। मैंने ना पहले कोई बात सुनी थी किसी के मुंह से और उसको अभी रिलेट किया मैंने जस्ट कि ना अगर जैसे दशरथ जी और श्री राम जी थे, दशरथ जी ने है ना जैसे ही उनको बोला कि तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है, अगर उस टाइम पे श्री राम जी बोल देते कि मैं क्यों जाऊँ, मतलब मैंने थोड़ी ना वचन दिए, मैंने गलती क्या की, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा, तो ये सीधा है ना रिएक्शन हो जाता उनका, ठीक है। और अगर वो थोड़ा सा सोच के बोलते कि हाँ ठीक है चला जाऊँगा देख लूँगा वगैरह, मतलब अंदर से बुरा तो उनको लग ही रहा है। हाँ। लेकिन है ना फिर भी है ना वो बाहर नहीं दिखाते कि पापा को बुरा ना लग जाए, इसलिए तो वो चीज़ हो जाती है उनकी रिएक्शन इनसाइड। ओके। और लेकिन है ना वो इतने वो महात्मा बोल सकते हैं उनको कि उन्होंने ये सोचा कि नहीं पापा ने वचन दिए हैं तो उसकी लाज तो मेरे को रखनी पड़ेगी, इसलिए अगर है ना 14 साल के जाना पड़ रहा है तो मैं जाऊँगा। तो ये जो चीज़ है ये मतलब ऊपर वाली रेस्पॉन्स था उनका, प्रभावशाली हुए इतने वो हुआ है, ठीक बात है, इसलिए रेस्पॉन्स। एक्चुअली ऐसे जब देखेंगे ना, ये अभी अपने लिए 3 स्टेज है कि अपने को क्या करना है, लेकिन अब बहुत समझदार जब हम हो जाएंगे ना तब ये होता है कि फिर वो रिएक्शन ये रिएक्शन इनसाइड की स्कोप ही नहीं बनता। जब जब सीधा देखते हैं सीधा ही भाव का आस्वादन होता है, ये भी हो सकता है। तो जो जिनको महापुरुष कहते हैं ना जो बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे, उनका ये नहीं था कि ये रुचिकर नहीं लगा और फिर विचार में ठीक नहीं लगा फिर जाके इच्छा से ठीक करके लाए, ऐसा उनका नहीं होगा। अनुमान है उनका, ये उनकी ये स्थिति होगी कि सीधा ही लक्ष्य का सीधा ही भाव का आस्वादन होता है। मतलब भैया आप ये बोलना चाह रहे हो कि ऊपर से नीचे वो आएंगे ही नहीं, मतलब ऊपर से ही वो डिसीजन ले लेंगे ऐसा? ज़्यादातर मतलब वो कह सकते हैं ये प्रोसेस तो ऐसे ही चलेगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि सीधा ही भाव का आस्वादन होगा। पहले यहाँ रुचि हो गई, यहाँ प्रियहित हो गया, फिर यहाँ से करेक्ट होके ही आया, ऐसे नहीं होगा। यहाँ से जाएगा भी करेक्ट, आएगा भी करेक्ट। तो इसको कहते हैं पूर्ण रूप से अपने में ठीक है। अभी हमको थोड़ा तो लगता है ना कि ये गलत कर दिया, फिर सोचते हैं कि अच्छा चलो ऐसे व्यवहार करें, तो ये हम अभ्यास कर रहे हैं ठीक करने का। जब कंप्लीट ठीक हो गए तो यहाँ से भी शुरू ही यहाँ से होगा, आएगा भी ऐसा ही।
अच्छा, जैसे हम अभी है ना कंफ्यूज हो जाते हैं एक दो ऑप्शंस में कि वो नहीं होगा फिर, तो मतलब है ना हम बिल्कुल ही कच्चे हैं अभी तक तो बिल्कुल ही, इसलिए इसको प्रैक्टिस करके देखने की जरूरत है। और जो आपने उदाहरण बताया वैसे लोगों के लिए ये ऑप्शन है ही नहीं, उनका बस रिस्पॉन्स ही निकलता है, और वो सिर्फ यहाँ तक नहीं, वो यहाँ से भी आता है। हाँ, तो मतलब जैसा अपना रेस्पॉन्स होगा वैसा ही अपना आउटकम होगा। हाँ, जितना डीप अपने में जा पाते हैं उतना अच्छा हम जी पाते हैं। Okay, जितना अपने में व्यवस्था उतना अच्छे से बड़ी व्यवस्था में भागीदार। थैंक यू। हाँ भैया, एक शेयरिंग थी। कल जैसे आप ये समझा रहे थे तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, मतलब आधा घंटा तो ऐसे गया कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो अभी जब मैंने बहुत ढंग से देखा तो समझ में आया कि प्रिय में ही था वो, तो इसलिए मुझे ये शब्द थोड़े प्रिय नहीं लग रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, तो वो थोड़ा सा गया। और सबसे अच्छा गैप जो पकड़ में आया वो रिएक्शन इनसाइड और रिस्पॉन्स के बीच में पकड़ में आया, जो अभी तक पकड़ में आ ही नहीं रहा था। मतलब रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, ये बहुत सुना था। ये आसान है पकड़ना ना। वही तो, रिएक्शन इनसाइड को ही मैं रिस्पॉन्स समझ रही थी। मैं सोच रही थी कि यार मैं बाहर तो गुस्सा कर ही नहीं रही हूँ, पर अंदर से ही वो नहीं आए, वो थोड़ा उस स्टेट में पहुँचना है। एक बात है, नहीं जैसे एक तो एक जब समझदार हो गए, समझदार हो गए तो इच्छा हमेशा सही बनेगी, तो हमेशा संबंध सबसे पहचानने में रहेगा, स्वीकारने में रहेगा, तो भाव बना रहेगा सबके प्रति, तो भाव बना रहेगा तो उसके आधार पे तुलन जो हमेशा न्यायपूर्ण दृष्टि से ही होगा जी। उसमें प्रियत लाभ पे न्याय भारी पड़ जाएगा। ठीक है, हमने फिर उसके आधार पे स्वाद लिया यार, कहाँ ओके, भाव भावमूलक स्वाद हो गया कि यार भाव बना रखना है, बनाए रखना है, संबंध बनाए रखेंगे, भाव बनाए रखेंगे तो हमेशा तृप्त रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ। उसके आधार पे चयन कर लिया हमने। हाँ। ये तो हो गया। अभी इस समय जब मैं समझदार नहीं हूँ। हाँ। तो सामान्य तो यही होता है कि सामने वाले ने बोला, इमीडिएट उसके स्वाद रुचि करनी है, वहीं पे निपटा दिया उसको। हाँ। रिएक्शन। हाँ। जो अधिकांशतः होता रहता है ना जी। अब थोड़ा सा जो अगर सोचना शुरू हुआ तो अब मैं इमीडिएट रिएक्ट नहीं करूँगा, पहले सुनूंगा सामने वाले को, सुन के तुलन विश्लेषण करूँगा, उसके आधार पे कि थोड़ा सोच विचार का अगर मशीन चालू हो गया है। हाँ। उसके आधार पे फिर स्वाद लूँगा तो यार ये ठीक तो नहीं है, तो ऐसे में मैं रिएक्शन तो करूँगा पर अंदर करूँगा, मतलब मैं उस समय खुश तो नहीं हूँ, अंदर गुस्सा हूँ। हाँ, तो मैं अपने आप में देख पा रहा हूँ कि मैं जीने दिया के पहले भी परिवार में, रिश्तों में, दोस्तों में कुछ ही बुरी लगती थी तो हमेशा तो नहीं जवाब रिएक्ट करता था, कभी कभी रिएक्ट भी कर जाता था, बाकी मैं अंदर ही अंदर यूँ परेशान होता था यार ये ठीक तो नहीं कर रहा, पर ठीक अपने को। हाँ। बोलना भी ठीक नहीं है। हाँ। तो वो रिएक्शन तो हो रही थी पर अंदर हो रही थी, बाहर व्यक्त नहीं हो रही थी जी। तो मैं तो खुश नहीं था, अब यहाँ आके पकड़ में आया कि यस इससे काम चलेगा नहीं, एक स्टेप और ऊपर चढ़ना, एक स्टेप ऊपर चलना पड़ेगा जी। ये ठीक है, पहले स्टेप से हम बेहतर हैं कि संबंध नहीं बिगाड़ रहे। हाँ, इमीडिएट रिएक्शन करके, गुस्सा करके, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, विवाद नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं बोल रहे हैं, गम को खा रहे हैं, कहते ना गम खाना, आंसू पीना। हाँ, आंसू पीना, खुद दुखी होना पर सामने वाले को और विवाद नहीं करना। अब अगर समझदार बन जाएंगे तो फिर निरंतरता आ जाएगी, फिर तो हमेशा सुनना पूरा होगा। आजकल मैं बोलता कम हूँ, यहाँ थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, घर पे कम बोलता हूँ मैं। हाँ, और सुनता ज़्यादा हूँ तो मुझे देखा मैंने कई बार जो पहले की तुलना में अब झगड़ा कम होता है, क्योंकि सुनते ज़्यादा है तो 80% टाइम तो सामने वाले को गुबार निकालना होता है, वो गुबार निकल गया उसका मन हल्का हो गया और अपने झगड़ा ही खत्म हो गया, तो उससे झगड़ा कम हो गया काफ़ी। हाँ, होता है, होता है। और पर अभी भी मैंने देखा इसमें निरंतरता नहीं है, कभी कभी तो आ ही जाता है गुस्सा, तो उसको भी रोकना है, तो उसके लिए ये लगातार अभ्यास कर रहे हैं। हाँ। घर पे भी कर रहे हैं, शिविर भी करवा रहे हैं, उसमें भी सुनते रहते हैं, तो ओके, बहुत बढ़िया। ये तो यार आपने कमाल कर दिया भाई, 23 साल में छक्का मार दिया आपने, बहुत ही बढ़िया। ये उदाहरण तो इतना ज़बरदस्त है, हर व्यक्ति अपने अंदर देख सकता है, रिएक्शन बाहर मतलब गुस्सा विवाद, रिएक्शन इनसाइड मतलब हम झगड़ा तो नहीं किए पर अंदर परेशान है, और रेस्पॉन्स जिसमें हमने झगड़ा भी नहीं किया, अंदर परेशान भी नहीं है, और सुना, बातचीत शुरू हुई, संवाद हुआ, उससे थोड़ा सा हल निकला,
घर में तो माहौल बेहतर हुआ, बहुत बढ़िया। रेस्पॉन्स तक आने के लिए इच्छा को स्पष्ट करना पड़ेगा और ये पूरी भाव की जगह है, तो कितने भाव है उसको कैसे पहचाने, जैसे विश्वास ट्रस्ट एक भाव है, रिस्पेक्ट सम्मान एक भाव है, स्नेह एक भाव है, उसको देखना शुरू करते हैं। उससे पहले ब्रेक करना हो तो मैं चाहता हूँ कर लिया जाए एक बार ब्रेक, 10 मिनट बाद चाय पियेंगे, तो तब तक आप चालू कर दो ना एक बार, तो चाय के समय सोचते रहेंगे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन है भैया। अच्छा तो फिर क्वेश्चन से ले लेते हैं, बताइए भैया। ये रिएक्शन आउटसाइड हो गया, एक तो एक रिएक्शन इनसाइड हो गया, और एक रिस्पॉन्स तो वो तो अलग, मतलब किसी को नुकसान नहीं हो रहा उसमें। हाँ। तो मतलब रिएक्शन इनसाइड से तो अच्छा आउटसाइड ही है ना, अगर ऐसे देखे तो। आप बाहर चिल्ला दोगे सामने वाला और परेशान होगा ना। भैया वो तो फिर वो वहाँ चीज खत्म हो गई ना। सबसे अच्छा तो इन दोनों में क्या अच्छा, ये क्यों तय कर रहे हो, यहाँ जाने का प्रयास करें ना रिस्पॉन्स में। हाँ वही, अब संबंध टूटता ही है उससे, एक बात है। हाँ 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 हाँ, अभी तो हम अपनी प्रवृत्ति बदलने का ही सोच रहे। आठ दिन करें, आठ दिन में भी अपनी प्रवृत्ति बदलते हैं। हाँ दूसरों की प्रवृत्ति तो काफी बड़ा काम। हाँ भैया पूछिए। भैया मुझे ऐसा लगता है, वैसे अदिति ने जो सवाल पूछा वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट मेरा थोड़ा सा एसोसिएटेड क्वेश्चन ये है कि जब हम बाहर दे रहे हैं रेस्पॉन्स, सॉरी रिएक्शन, वो तो एक ठीक है गलती है, अंदर दे रहे हैं तो वहाँ भी दो चीज़ें हो सकती है ना जी। एक मेरे पास न्याय की दृष्टि है और एक मेरे पास प्रिय हित या लाभ की दृष्टि है जी। एक है कि यार मैं कुछ बोलूंगा तो थप्पड़ पड़ जाएगी, तो हित की हो गई, ठीक बात है। एक मेरे पास है कि रिश्ता खराब होगा और चीजें दिक्कत करेगी, तो प्रिय की हो गई। एक मेरे को लगता है इससे फ्यूचर में पैसा आना है तो लाभ की हो गई, और एक मुझे लगता है कि नहीं यार मैं अभी सही रिश्ता चलाता रहता हूँ ताकि फ्यूचर में मैं भी ठीक हो पाऊंगा, इनको भी ठीक कर पाऊंगा। तो वहाँ भी यार दृष्टि का भी तो एक रोल है बड़ा। हाँ, दो भाग बना सकते हैं, ठीक बात है, है ना। वो एक भाग ये है कि जो कहा कि मार पड़ जाएगी या बिजनेस में नुकसान हो जाएगा या कुछ अप्रिय घट जाएगा, उस कारण रिएक्शन इनसाइड है। दूसरा है कि 2-5 शिविर सुन लिए है या अपने में, वैसे बिना शिविर के भी एक क्लैरिटी है कि संबंध को तो बनाए रखना है, तो वो भी है कि चलो न्याय की अपेक्षा है, कैसे होगा स्पष्ट नहीं है, बट न्याय की अपेक्षा से भी रिएक्शन इनसाइड होता है, ठीक बात है। ज़्यादातर लोग जब पहला शिविर करते हैं तो ये होना शुरू होता है, पहले प्रियहित लाभ के कारण रिएक्शन इनसाइड होता था, शिविर करने के बाद उनकी अपेक्षा बनती कि न्याय करें, तो फिर जो दूसरे तीसरे शिविर में लोगों के सवाल आते हैं ना कि दूसरों को कैसे समझाए, वो इसी कारण से आते हैं, न्याय के उससे वो रिएक्शन इनसाइड होता रहता है, फिर एक टाइम के बाद झेलना मुश्किल पड़ता है ना, फिर ये सब प्रश्न बनते हैं कि अब दूसरे को कैसे ठीक करें ताकि हमारी न्याय की अपेक्षा पूरी हो और हमको हर बार ही अपने में रिएक्शन को झेलना ना पड़े। तो उससे मैं यही कह रहा हूँ कि ऊपर ही जाना चाहिए। हाँ मतलब इस पर डिस्कस करने का भी कोई बहुत बड़ा मतलब निकलता नहीं, अल्टीमेटली तो वही जाना, दोनों ही गलत है, जाना तो वही है। हेलो नमस्ते भैया जी। सर मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये इनसाइडर रिएक्शन वाली जो बात है वो फैमिली लेवल पे थोड़ी ज्यादा है, मतलब फैमिली में जैसे क्या है कि कोई आर्ग्यूमेंट है तो अब रहना भी उनके साथ है, तो कोई इंसान किसी को समझाता है तो अगला नहीं समझता, लेकिन रहना फैमिली मेंबर्स के, जैसे आगे जो बैठे दीदी उन्होंने वो एक बात बोली थी कि फैमिली मेंबर्स का रहना अपन उनको समझाना चाह रहे हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन अगला सीखते ही नहीं, तो उसमें इंसान कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रिएक्शन उस कंडीशन में उसके साथ ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अभी तो देखिए रिस्पॉन्स पे हम कितना शिफ्ट हो पा रहे हैं अपने में, वो ज़्यादा ध्यान देने वाला मुद्दा है अपना। तो इनसाइडर रिएक्शन वाली बात जो फैमिली लेयर पे वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक बात है, क्योंकि वहाँ जैसे भैया ने कहा ना कि वो न्याय को हम बनाए रखना चाहते हैं इसी कारण से। भैया जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि अचार की बरनी फूट जाती थी और उधर से झापट पड़ती थी, तो वो अचार की बरनी भी चली जाती थी और संबंध भी चला जाता था जी। वो रिएक्शन का एक उदाहरण मुझे लगा। ठीक बात है, ठीक बात। हेलो सर जी। सर अभी जनरली ये जो रिएक्शन वाली एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा है कि लाइक इनसाइड लाइक हमें अपने आप को लाइक अच्छा बताने के लिए लाइक हम अच्छे हैं तो हम इनसाइड ही अपने आप को दबाते रहते हैं
बट ऐसा है कि लाइक जब हमें समझ आ जाएगी तो क्या रिस्पॉन्स वाली मतलब एक्टिविटीज पूरी तरीके से लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि अगर समझ आ गई बट फिर भी अगर सामने वाला गलत है तो रिएक्शन वाली एक्टिविटीज तो तब भी होगी जी, वो संभावना को भी देखते हैं, एक्चुअली ब्रेक के बाद देखते हैं। ओके सर, ये बात ठीक है, हम अपने को अच्छा दिखाने के लिए भी रिएक्शन इनसाइड को बहुत वो करते हैं। हेलो, मैं पूछना चाहती हूँ कि ना जैसे अगर हम रिस्पॉन्स की सिचुएशन में आ जाते हैं ठीक है, तो फिर किसी के बीच में ईर्ष्या द्वेष और बदले की भावना तो खत्म ही हो जाएगी ना फिर, तो हो ही जाएगी क्योंकि मैंने सोच लिया कि इस वजह से ये सामने वाले गुस्से कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं मतलब, तो फिर उस समय मैं सोचूंगी करूंगी और फिर मैं नॉर्मली रहूंगी उस समय, तो शायद है ना मतलब आगे कभी भी इन फ्यूचर कभी मतलब इतना तो पता है कि इस समय ये कर रहे हैं ये कर मतलब बॉडी लैंग्वेज से हमें आइडिया लग जाएगा और हम उसको डील भी कर लेंगे, तो फिर हमारे माइंड में तो ऐसी कुछ भी नेगेटिव थॉट ही बंद हो जाएगी ना आना फिर, तो नहीं मतलब ये पॉजिटिव मैनर में कि ये सही है ना फिर इसका रिएक्शन तो यही होगा ना। ठीक बात, हाँ मतलब रिस्पॉन्स। धन्यवाद भैया। जैसे मैं कितनी बार मेरे कजिन्स के साथ में ज़्यादा रहती हूँ तो उनके बीच में जब मैं इस तरह से पेश आती हूँ तो मुझे बोलते कि तू इतना सीरियस मत लिया कर इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। तो उनके साथ में जब इस तरह मैं उन्हें समझा नहीं पाती, कितनी बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, सही गलत जैसा कुछ नहीं होता, तो मैं उनको समझा नहीं पाती, हो सकता है मेरी योग्यता नहीं है अभी उतना समझाने की, तो वो रिएक्शन इनसाइड में आएगा कि रिस्पॉन्स में आएगा। ये तो एक स्थिति है कि आप वो ऐसा मान रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे, उस आधार पर जब भी कोई घटना घटती है तब या तो आप रिएक्ट कर सकते हो या आप रिएक्ट इनसाइड कर सकते हो या आप रिस्पॉन्स दे सकते हो। कितनी बार ऐसा लगता है फिर मैं उनसे प्रभावित नहीं होती फिर भी ऐसा लगता है कि फिर मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि उनका रहने का थोड़ा तौर तरीका फिर मुझे समझ में नहीं आता। प्रभावित हुए ना। तो ऐसा तो फिर घर वालों के साथ भी होता है कभी कभी, उनसे भी लगता है कि नहीं, ये नहीं कह रहा कि रहना नहीं चाहिए बट प्रभावित तो हो रहे ना उसको देख। अभी इन्होंने भी पूछा ना कि वो दोनों आपका एक ही प्रश्न है करीब करीब, उसको थोड़ा ब्रेक के बाद में देख रहे। घर वालों के साथ कैसे बैलेंस करेंगे इन चीजों को? हाँ वही, अभी कोई वातावरण के बारे में भी बोल रहा था ना, वो भी करना है। हाँ बताओ। कि मेरा ये कहना है कि आप मैं कुछ बोलूंगा तो आप बता दीजिए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं। जैसे कि पहले में तो ऐसा है कि मेरा भाई बैठा है और वो मेरे को कहता है जा कुरकुरे ले आ, तो मैं कहता हूँ मैं नहीं ला रहा जा, बार बार मेरे से मंगवाता है, खुद तो कभी जाता नहीं है, तो वो सीधा रिएक्शन कर दिया मैंने जी। और सेकंड वाले में जैसे कि दुकान पे हैं, अब वो मेरे को कह रहा है मित्र को बाद में पैसे दे दूँगा तो अभी पैसे दे दे, तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ ये बार बार पैसे निकलवा लेता है, कभी देता तो है नहीं मेरे को वापस, तो मैं अंदर ही अंदर दुखी भी हो रहा हूँ लेकिन संबंध ना बिगड़े इसलिए मैं दे रहा हूँ। और आपसे कौन मांग रहा है पैसे इतनी उम्र में? मेरे दोस्त। और रेस्पॉन्स से मैंने कह दिया कि उसने बोला कि जा दूध की थैली ले आ। हाँ। और पैसे तू ही देगा। हाँ। तो मैंने कहा कोई नहीं अपन ही दे देंगे, तो ये ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, अब कर ले ब्रेक। हाँ, टाइम आउट का सिग्नल दे दिया है।